हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू क्लियर द केमिस्ट्री ओलंपियाड, जिसे IOQC या NSEC के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, फिर हम लोग क्लास स्पेसिफिक प्रिपरेशन की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट में मैं आपको मॉक टेस्ट किस तरह से अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले रिसोर्सेज, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं आपको दो बुक्स रिकमेंड करता हूं। सबसे पहला है एन अवस्थी। एन अवस्थी में आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने का मौका मिलेगा। इसके क्वेश्चंस के लेवल काफी सिमिलर हैं जो केमिस्ट्री ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, और इसमें भी आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं सॉल्व करते वक्त, अगर आपको कैलकुलेशंस का एक्सपीरियंस करना है तो। दूसरी बुक है RC मुखर्जी। यहाँ पर ज्यादातर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, आप उनका प्रैक्टिस कैलकुलेटर के साथ करें क्योंकि इसके कैलकुलेशंस काफी टफ होते हैं। तो एग्जाम में आपको किस तरह से कैलकुलेटर का यूज करना है एक इंटेलिजेंट वे में, आप इस बुक के थ्रू सीख सकते हैं। इसके साथ ही इसके क्वेश्चन के लेवल भी काफी अच्छे होते हैं, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। अगला है ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको एक ही बुक रिकमेंड करता हूं, आप MS चौहान की एडवांस्ड वाली बुक सॉल्व कर सकते हैं। इसके भी क्वेश्चन के लेवल ओलंपियाड लेवल से काफी सिमिलर होते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए आप मोस्टली फोकस करें NCERT पर, और आपने अगर NCERT कंप्लीट कर ली हो तो फिर आप JD ली वाली बुक पर बढ़ सकते हैं। उसमें भी कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस ही आपको करने हैं जो कि ओलंपियाड या फिर JEE जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला है कि किस तरह से आप स्पेसिफिक क्लास के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इस एग्जाम को जनरली क्लास 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स देते हैं। मैं तीनों पर एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहला है क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th में थोड़ा सा मुश्किल होता है इस एग्जाम को क्लियर करना, लेकिन आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं और वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा आगे भी। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्लास 9th और 10th के कॉमन चैप्टर्स को थोड़ा एडवांस लेवल पर पढ़ना है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया या फिर मोल कॉन्सेप्ट। तो इन चैप्टर्स के लिए आप क्लास 11th और 12th की जो बुक्स हैं उनसे पढ़ाई कर सकते हैं। आप पहले NCERT से शुरू करें और उसके बाद जो बुक्स मैंने आपको ऊपर बताई हैं उनसे इन चैप्टर्स को कर लें, तो आपको इन चैप्टर्स में काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपने ये कर लिया है तो फिर आप क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, SP ब्लॉक और आइसोमरिज्म जैसे चैप्टर्स। इतना कर लेना भी काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपने ये सारी चीजें भी कंप्लीट कर ली हैं तो आप क्लास 12th के कुछ चैप्टर्स की तरफ बढ़ सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकी का बचा हुआ पी ब्लॉक। आपके क्लास 10th में NTSC और बोर्ड्स के एग्जाम्स भी होते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन पर भी ध्यान दें और ओलंपियाड प्रिपरेशन को थोड़ा लाइटली ही लें, और इसके कारण आप अपने मेजर एग्जाम्स की प्रिपरेशन को खतरे में न डालें। अगला है क्लास 11th। तो क्लास 11th बेस्ट क्लास होता है ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन के लिए। आप पर बोर्ड्स का कोई प्रेशर नहीं होता, मैंने खुद क्लास 11th में इस एग्जाम की तैयारी की थी। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहली बात है कि वो क्लास 11th की केमिस्ट्री पर 100% पकड़ बनाकर रखें। क्लास 11th की केमिस्ट्री से आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको वो बनाना आना होना चाहिए। ऊपर मैंने जो बुक्स का लिस्ट दिया है उससे आप इन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं और कंप्लीट ग्रिप बनाकर इन चैप्टर्स पर महारत हासिल कर सकते हैं। अगला है कि आप क्लास 12th के चैप्टर्स को थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। अगर आपने क्लास 11th के चैप्टर्स कर लिए हैं तो क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री के आप सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स जैसे चैप्टर्स एक बार पढ़ें। उसके बाद आप इनऑर्गेनिक में बचा हुआ पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डी ब्लॉक जैसे चैप्टर पढ़ सकते हैं। ये दोनों चीजें आपने अगर कर ली तो आप क्लास 12th के ऑर्गेनिक से कुछ चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उन पर थोड़ा समय दे सकते हैं और इनके कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म्स को याद करने की कोशिश कर सकते हैं। अगला आता है क्लास 12th। तो क्लास 12th के लिए एग्जाम सबसे ईजी है, आपका JEE वाला सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है। अभी आपको मेजर फोकस करना चाहिए रिविजन पर। आप कोशिश करें कि आपने क्लास 11th और 12th में जितनी भी चीजें पढ़ी हैं आप उसको कम से कम एक या दो बार रिवाइज कर लें एग्जाम के पहले। उसके बाद आपको स्पेशल फोकस डालना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गेनिक से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप गलत ना करें। इसके साथ ही इनऑर्गेनिक अगर आपने थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट किया था पहले, तो इनऑर्गेनिक पर भी एक अच्छी पकड़ बनाने की कोशिश करें, स्पेशली क्वालिटेटिव एनालिसिस और पी ब्लॉक जैसे चैप्टर्स पर। इसके बाद है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो पास्ट ईयर पेपर्स HBCSE या IAPT के वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं उन्हें आप एक बार सॉल्व करें। आप टाइम लिमिट में उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, और साथ ही साथ
जो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में, उसे आप यूज करें साथ साथ मॉक टेस्ट देते वक्त। अगर आप क्लास 10th या 11th में हैं, तो मैं आपको एक स्पेशल रिकमेंडेशन करूंगा कि अगर आपके कुछ एक या दो मॉक टेस्ट में बहुत अच्छी मार्क्स नहीं आते हैं तो आप बाकी पेपर्स ना दें, क्योंकि अगर आप इन पेपर्स को दे देंगे तो आपको क्लास 12th में अगर फिर से इन पेपर्स को देना पड़ा तो वहां पर एक अनफेयर एडवांटेज मिलेगा और वो आपको मिसलीड कर सकता है आपके प्रिपरेशन में अगले साल। तो आप क्लास 11th में इन पेपर्स को शुरू में 2-3 ट्राई करके देख लें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको बाकी के पेपर्स देने हैं या नहीं। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपका ये एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। केमिस्ट्री ओलंपियाड एज कम्पेयर टू फिजिक्स या मैथ्स थोड़ा ईजियर होता है जूनियर क्लासेस में क्लियर करना, और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डाल सकें। थैंक यू।